पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 46वां जन्मदिन हिंदू युवा वाहिनी महानगर मुरादाबाद की समस्त टीम के द्वारा भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में महानगर टीम द्वारा आम जनता के लिए खिचड़ी वितरण और रायता तथा शरबत का प्रबंध किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर NP सिंह रहे। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये भी संकल्प लिया गया कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा जनहित में जारी योजनाओं को आम जनता तक हिंदू युवा वाहिनी पहुंचाएगी। संगठन का सर्वप्रथम उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है। कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष शांतनु दीक्षित, महानगर प्रभारी राजुल सरीन, महानगर संयोजक पोपट लाल, उपाध्यक्ष अनूप मिश्रा, अतुल गोयल, अंकित पाल, दीपक राठौर, मनोज कुमार, शिवम शर्मा, सुमित नन्हे सैनी, ज्ञानेंद्र मोहित शर्मा, रूपेश, तुषार और अन्य कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग रहा। योगी जी का जन्मदिन है, 46वां जन्मदिन है और इसको हम एक समरसता के रूप में मना रहे हैं। समरसता और सहभोज के पांचों जिलों में, क्योंकि म्यूनिसिपल जो है मंडल का दायित्व है पांच जिलों का, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर और संभल, तो पांचों जिलों में समरसता के रूप में मना रहे हैं कि आपस में सद्भाव और समरसता बनी रहे। उसको जगह जगह जाकर प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं मुरादाबाद आया हूँ, पहले बिजनौर में अभी प्रोग्राम था, वहाँ पे सबसे पहले यह किया गया। उसके बाद ज्योतिबा फुले पार्क में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के बाद फिर जो है शीतल पेय पदार्थ का वितरण किया गया और उसके बाद फिर रास्ते में भी काठ में प्रोग्राम था। उसके बाद ही मुरादाबाद में कार्यक्रम है। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जन्मदिन दिवस है। उस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर टीम द्वारा आज ये खिचड़ी की व्यवस्था आम जनता के लिए की गई है। ठंडा पानी, शरबत और रायता, ये हमने वितरण इसलिए करा कि हम और कोई प्रोग्राम ना करके हमने सोचा कि एक ऐसा कैंप लगाएं जिसमें आम जनता को राहत मिले। गर्मी में ठंडे पानी की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। हमारे मुरादाबाद महानगर में करीब 5 जगह कैंप चल रहे हैं इस समय, पीतल नगरी में भी, गागन में भी, कई जगह कार्यकर्ता अपने स्तर पर जो उनका है उस हिसाब से वो लगा रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।